हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक जोन वेलकम्स यू। काफ़ी दिनों के बाद आज क्लास हो रही है। प्लीज़ शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स। सारे लोग जुड़ जाएंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। और अच्छी बात ये है कि अब हम एक क्रैश कोर्स बनाने जा रहे हैं। जो पुराने साथी हैं उनको पता है, जैसे चैनल हैक होने से पहले देर वर अराउंड 1100 वीडियोज, तो उन वीडियोज को दोबारा से रिवाइव करूँगा मैं। एक एक लेसन शुरू से बनाया जाएगा, क्रैश कोर्स। डीप में नहीं जाएंगे, डीप के लिए आपको पता है कि वो कोर्स रहता है हमारा। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ कोर्स दैट विल बी इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर, एंड वी आर स्टार्टिंग विद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एक क्रोनिकल ऑर्डर में बिल्कुल। गुड आफ्टरनून अनुराग एंड रेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, प्लीज शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि जैसे हम क्या करते थे कि आज मॉडर्न एज कर लिया, कल रोमांटिक एज, नहीं। एक तरीके से चलेंगे और एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में ही चलेंगे। डेली क्लास होगा, 3 o'clock पे होगा, तो आधे घंटे से एक घंटे के बीच का क्लास रहेगा डेली, क्रैश कोर्स टाइप रहेगा। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कि जो इंग्लिश है वो किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया, दैट इज इम्पोर्टेंट। गुड आफ्टरनून शिवानी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी वेट करें। इंग्लिश बेसिकली इट इज अ मेंबर ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन बनता है, विच फैमिली इंग्लिश लैंग्वेज बिलोंग, एंड द आंसर इज इट बिलोंग्स टू इंडो यूरोपियन। और हम बाद में बात करेंगे कौन कौन सी फैमिलीज हैं। इंडो यूरोपियन फैमिली का ये एक मेंबर है। सेकेंडली, लैटिन एंड द मॉडर्न लैटिन लैंग्वेजेज, जर्मेनिक लैंग्वेजेज। इफ यू टॉक अबाउट जर्मेनिक लैंग्वेजेज, देन देर आर सम इंडो इरानियन लैंग्वेजेज, स्लैविक लैंग्वेजेज, बाल्टिक, सेल्टिक एंड ग्रीक। ये जर्मेनिक लैंग्वेजेज के अंडर आता है। इट माइट बी फॉर सम ऑफ यू माइट बी द न्यू इन्फॉर्मेशन, यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो। तो जर्मेनिक लैंग्वेजेज, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्री के जरिए जो है वो समझाने की कोशिश की है, प्रोटो इंडो यूरोपियन, और उसमें से आगे कौन कौन सी लैंग्वेजेज निकली हैं। यू कैन सी इट लाइक ग्रीक, अर्कैडियन, आयोलिक, आयोनिक, ड्रोइक। बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये अपने आप में एक हिस्ट्री है, वेरी इंटरेस्टिंग इट इज, कि हाउ द लैंग्वेजेज केम इन टू एग्जिस्टेंस, विच लैंग्वेज बिलोंग्स टू विच फैमिली। इफ यू टॉक अबाउट एट द टाइम द इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटेन स्पोक अ सेल्टिक लैंग्वेज, बट मोस्ट ऑफ द सेल्टिक स्पीकर्स वर पुश्ड वेस्ट एंड नॉर्थ बाय द इन्वेडर्स, मेनली इन टू वॉट इज नाउ वेल्स, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। हम बिल्कुल शुरुआत की स्थिति में पहुंच गए हैं। वैन मीन्स इंग्लैंड, इन एंशिएंट टाइम्स ऑन दिस आइलैंड द पीपल हु यूज्ड टू लिव दे वर नॉट द इंग्लिश स्पीकर्स, वो इंग्लिश स्पीकर नहीं थे, यू कैन से। Then certain invaders came, they invaded that island, and with their arrival they brought with them their languages, their culture, their rituals। वो लोग अपने साथ क्या क्या चीजें लेके आए, फिर साथ में मैंने कुछ मैप्स लिए हैं इंटरनेट से, तो वो आप देख सकते हो। If we talk about the old English टाइम पीरियड, हम मानते हैं यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, 450 टू 1100। तो देर वर द ग्रुप्स सैक्सन्स, एंजलस एंड ज्यूट्स, दीज वर द थ्री इंपॉर्टेंट यू कैन से ट्राइब्स, एंड देयर डिफरेंट जर्मेनिक डायलैक्ट्स। दिस ग्रुप ऑफ डायलैक्ट्स लिंग्विस्ट रेफर टू ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन। इफ यू टॉक अबाउट एंग्लो सैक्सन, देन दीज थ्री, सैक्सन्स, एंग्लिश एंड ज्यूट्स। और जो वर्ड है इंग्लिश हमारा, ओल्ड इंग्लिश में इसको इस तरीके से लिखा जाता था, और ये कहाँ से आया है, इस ग्रुप से निकल कर आया है एंग्लिश, एंड देन लेटर इट बिकेम इंग्लिश, एंगल एंड देयर लैंड ऑफ ओरिजिन।
सेल्ट्स ऑल्सो मैंसन्ड एज ब्राइथन्स एंड गेल्स, ये जो टाइम पीरियड है अप टू 55 BC, और यहाँ पर इंग्लैंड के ऊपर अटैक कौन करता है, वो करते हैं आपके क्या नाम उनका है जूलियस सीजर, जूलियस सीजर अटैक्ट एट दैट टाइम, जूलियस सीजर अटैक्ट इंग्लैंड, रोमन कॉन्केस्ट 55 BC मीन्स जूलियस सीजर अटैक्ट और 407 तक, एंग्लो सैक्सन पीरियड 407 में स्टार्ट होता है 787 तक है, वाइकिंग इन्वेजन्स इट माइट बी न्यू फॉर यू, नॉर्मन कॉन्केस्ट आपने सुना होगा 1066, बट रोमन कॉन्क्वेस्ट एंग्लो सैक्सन पीरियड एंड देन वाइकिंग इन्वेजन 787 AD एंड देन 1066, और 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होता है, और अब जो आपका रोमन एम्पायर था वो रिप्लेस होता है किसके साथ, फ्रेंच के साथ। कुछ चीज़ें आपको यहाँ से समझ आ गई हुई। गुड आफ्टरनून मंजूर अहमद। अब देखिए जो तीन इंपॉर्टेंट ग्रुप्स थे जो शुरू में अर्लीस्ट पीपल हु केम टू इंग्लैंड या आइलैंड के ऊपर जो लोग आए थे वो थे आपके, फर्स्ट वन इज गेल्स, सेकेंड वन इज ब्राइटन, और इनको कई बार इस तरीके से भी लिखते हैं, एंड थर्ड वन इज बेल्जेज। दीज थ्री ग्रुप्स के, फर्स्टली दीज थ्री ग्रुप्स के, व्हाट इज वाइकिंग इन्वेजन, वाइकिंग इन्वेजन क्या था, वाइकिंग्स वर सी फेयरिंग पीपल, एक्सप्लोरर, ट्रेडर्स एंड वॉरियर्स, स्कैंडिनेवियंस ड्यूरिंग 8th एंड 11th सेंचुरीज, एक्सपेडिशंस दैट प्लंडर्ड एंड एंडेड इन कंक्वेस्ट एंड सेटलमेंट्स इन ब्रिटेन। तो आखिरकार ये कहां सेटल हो जाते हैं, ब्रिटेन में सेटल हो जाते हैं। मंजूर एक मिनट में पीछे चलता हूं, आप देख सकते हैं रोमन में जो सबसे पहला जो इन्वेडर आए थे वो थे जूलियस सीजर, और एक लंबे टाइम तक वो लोग यहाँ रहते हैं, उसके बाद नॉर्मन आते हैं, ये नॉर्मन गलती से लिखा गया है, नॉर्मन आते हैं यानी कि फ्रेंच पीपल आते हैं, और फिर उनका कब्जा जो है इंग्लैंड के ऊपर हो जाता है। किंग अल्फ्रेड द ग्रेट 1871, किंग अल्फ्रेड द ग्रेट को हम मानते हैं फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज ऑल्सो, ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, ठीक है, एबल टू यूज द लैंग्वेज टू अपील द इंग्लिश एंड हिज एफर्ट सेव्ड द लैंग्वेज एंड दैट्स व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखिए ये जो लोग आते हैं जो तीन इससे पहले मैंने मेंशन किया था, दे एस्टैब्लिश्ड सेल्टिक लैंग्वेज एंड देन गेलिक लैंग्वेज, जो गेल थे उन्होंने गेलिक लैंग्वेज, और जो आपके ब्राइटन्स थे उन्होंने सेल्टिक लैंग्वेज वहां पर इस्टैब्लिश की, और जो आज जो लंदन नाम है इंग्लैंड का कैपिटल का, इट इज नेम्ड आफ्टर अ सेल्टिक गोट, एक सेल्टिक गोट के नाम पर ही इसका नाम लंदन पड़ा है, ये इंपॉर्टेंट है। और 55 एंड देन 54 बीसी में कौन अटैक करता है, हु वाज द इन्वेडर, दैट वाज जूलियस सीजर। तो यहां से फिर से आप थोड़ा सा चीजों को क्लियर कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए जो नॉर्मन्स थे नेक्स्ट इन्वेडर्स, नॉर्मन के बाद कौन आए, जर्मेनिक, देन टूटोनिक, और उनको जो है उनके पोइट्स को बार्ड्स या स्कोप बोला जाता था, ये सारी चीजें आपको पता है। हाँ नमस्ते दिव्या। अब देखिए यहां से द सेल्ट्स लिव्ड इन इंग्लैंड व्हेन रोमन्स इन्वेडेड, जब रोमन्स का अटैक होता है उस टाइम पे इंग्लैंड में कौन थे, सेल्ट्स थे, हु एस्टैब्लिश्ड सेल्टिक लैंग्वेज ओवर देयर, व्हेन रोमन्स केम दे ब्रॉट विद देयर ओन लैंग्वेज, और रोमन्स का लैंग्वेज क्या था, लैटिन। रोमन्स अपने साथ दो चीजें लेकर आए, द फर्स्ट थिंग देयर लैंग्वेज दैट इज लैटिन एंड सेकेंड थिंग क्रिश्चियनिटी, और अपने साथ दूसरी क्या चीज लेके आए, क्रिश्चियनिटी,
इसका मतलब क्या हुआ कि इससे पहले इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी नहीं थी। हु ब्रोट क्रिश्चियनिटी टू इंग्लैंड? द क्रेडिट गोज टू रोमन्स। रोमन्स फाइनली लेफ्ट इंग्लैंड इन दिस पीरियड 410 में रोमन्स जो है वो चले जाते हैं। एज द रोमन एम्पायर वॉज कोलैप्सिंग, उनके वहां अपनी दिक्कतें शुरू हो गई, तो इसलिए अपनी दिक्कतों को सेटल करने के लिए उनको यहाँ से जाना पड़ता है, रोमन्स को यहाँ पर छोड़ के। अब रोमन्स जाते हैं, देन वेस्ट जर्मेनिक ट्राइब्स अराइव्ड टू इंग्लैंड। उसके बाद कौन लोग आते हैं? उसके बाद आते हैं आपके वेस्ट जर्मेनिक ट्राइब्स, और इनमें कौन कौन लोग शामिल है? एंग्लिस, जिससे आगे चल के इंग्लिश वर्ड बनता है, सैक्सन्स, ज्यूट्स एंड द फ्रीसियंस। 1, 2, 3 एंड 4, दीज फोर आर इंपॉर्टेंट। दिस लैंग्वेज इज सिमिलर टू मॉडर्न फ्रीसियन, और ये चीजें आप यहां पर देख सकते हो। फ्रीसियन जो लैंग्वेज है, आज लगभग लगभग जो है ऑलमोस्ट 40 लाख पीपल स्पीक। और जो सेल्ट्स थे, दे मूव नॉर्थ लिविंग द मेन एरिया ऑफ ब्रिटेन। हिस्टोरिकली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। थैंक यू शंभु योगी। लेटर इन 850 द वाइकिंग्स केम एंड ब्रोट विद देयर नॉर्थ जर्मेनिक लैंग्वेज। इस तरीके से समझना है, कभी जो वाइकिंग आए उनका लैंग्वेज क्या था? नॉर्थ जर्मेनिक। रोमन्स आए उनका लैंग्वेज क्या था? सेल्टिक था। जब आपके नॉर्मन्स आए उनका लैंग्वेज क्या था? फ्रेंच था। तो इस तरीके से चीजों को याद रखना, यहीं से क्वेश्चन आता है। मंजूर अहमद, क्रिश्चियनिटी के पहले वहां के जो लोकल थे, यदि आप ग्रीस में भी देखोगे, ग्रीस में जिसको आज यूनान कहा जाता है, वहां के बहुत ही समृद्ध प्रोस्परस उनका कल्चर होता था, और वो क्रिश्चियन नहीं थे उससे पहले, वो पैगन्स थे, पैगन्स, ठीक है ना। उसके बाद वहां क्रिश्चियनिटी गई है, और जब क्रिश्चियनिटी गई है तो ग्रीस में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ था, वहां के थिएटर्स को तोड़ा गया था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में भी थिएटर अलाउड नहीं है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, थोड़ा सा यदि हम जाएं तो काफी शानदार हिस्ट्री है, और ग्रीस का जो कल्चर था और जो इंडियन कल्चर है उसमें काफी सारी सिमिलरिटीज भी देखने को मिलती है। उसके बाद हम संस्कृत वगैरह के साथ उनका कंपैरिजन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें। ये भी चीज़ आती है, जो इंडियंस है वो कहते हैं कि हमारे वाला कल्चर बेहतर था, ग्रीक कहते हैं कि हमारे वाला कल्चर बेहतर था, तो इन दिस वे। बट द रियलिटी इज दैट बोथ द कल्चर्स वर वेरी ग्रेट एंड देयर वर सर्टेन सिमिलरिटीज, और दोनों का आपस में रिलेशन भी था, वो हम जो ट्रेवलर्स आए हैं उनकी बुक से पता चलता है। प्लिनी मेंशन करते हैं अपने बुक में, देर वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेड, वेरी साउंड ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस एट दैट टाइम। मैगस्थनीज अपनी बुक में मेंशन करते हैं। एंड देन द मिडल इंग्लिश एट दिस पीरियड 1066 नॉर्मन कंक्वेस्ट हुआ। नॉर्मन्स का मतलब फ्रेंच, ठीक है ना। और यहां तक इसके बाद मॉडर्न इंग्लिश आ जाता है। फ्रेंच स्पीकिंग विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी, ही अटैक्ट एंड ऑक्यूपाइड द आइलैंड नेम्ड एज इंग्लैंड। ओल्ड इंग्लिश बिगेन टू चेंज विद इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यू फ्रेंच स्पीकिंग नॉर्मन अरिस्टोक्रेसी। अब जो ओल्ड इंग्लिश, यानी कि उससे पहले जो रोमन्स का इम्पैक्ट था, उसके बाद कुछ और लोग आए, और अब फ्रेंच के आने के बाद धीरे धीरे जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच हो गई। इवन 1731 तक इंग्लैंड का जो ऑफिशियल लैंग्वेज था वो फ्रेंच था। ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। 1731 तक इंग्लैंड का जो लैंग्वेज था, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो कौन सा था? फ्रेंच था। इंग्लिश बहुत बाद में इस्टेब्लिश होती है। ये कुछ डेटा है जो आपको काफी सरप्राइजिंग भी लगेंगे कि इतने बाद तक इंग्लिश का रुतबा नहीं रहा था, उसके बाद में ये लोग आए हैं। और जो वोकैबलरी में चेंज आए, देखिए नेट में पिछले 2 साल से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कुछ नए वर्ड्स जो ऐड हो गए, लाइक बीफ, पोक, व्हील, काउ, पिग एंड काफ, फ्रेंच इंग्लिश, तो इस तरीके से ये इंग्लिश वर्ड है और इनका आपस में किस तरीके से घालमेल हुआ उस टाइम।
एंड देन अर्ली मॉडर्न इंग्लिश 1500 टू 1650 और 1700 तक हम बेसिकली मानते हैं, एंड दिस पीरियड इज नोन एज रेनेसा ऑल्सो। अब इंग्लिश एक लैंग्वेज के तौर पर इस्टेब्लिश हो चुकी थी। तो रेनेसा मीन्स रिवाइवल ऑफ स्कॉलरशिप ग्रेट एंड लैटिन क्लासिक्स। नाउ द साइंटिफिक द लॉजिक इट वॉज कंसिडर्ड एंड द लॉजिक एंड साइंस रिप्लेस्ड द थियोलॉजी, जो इससे पहले पूरा का पूरा चर्च का जो कब्जा था उस कब्जे से बाहर निकल के साइंटिफिक अप्रोच लोगों के सामने आई। इफ वी स्टडी विलियम शेक्सपियर डीपली एट लीस्ट 3000 लैटिन वर्ड्स वी फाइंड इन द पोइट्री एंड प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर। क्वाइट इंटरेस्टिंग इट इज। लैटिन का इम्पैक्ट उस टाइम तक भी इतना था, 3000 वर्ड्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब नई चीज़ें, प्रोडक्ट्स फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड, टोबैको, चॉकलेट, पोटैटो। ये पता आपको इंडिया में भी, जैसे पोटैटो जो हो पुर्तगाली लेकर आए थे, पुर्तगाल वाले जब आए थे तो इंडिया में पोटैटो पहली बार पोटैटो वो लेकर आए थे। किंग जेम्स बाइबल 1611 में ये वर्जन आता है, वेरी पॉपुलर इट इज, प्रिंटेड इन इंग्लिश। विलियम कैक्सटन प्रेस इट यू कैन से 1476 में इंग्लैंड में विलियम कैक्सटन जो है वो प्रिंटिंग प्रेस लगाते हैं। प्रिंटिंग प्रेस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इटली। ठीक है, बेसिकली तो इटली का कॉन्सेप्ट है और उसके बाद इंग्लैंड में उसको लेके आने का क्रेडिट जाता है विलियम कैक्सटन। देन लेट मॉडर्न इंग्लिश, जो आज तक आप कह लीजिए, राइज ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, न्यूक्लियर एयरप्लेन, ये सारी चीज़ें आ गई, ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, उसके साथ में आपका जो है कॉलोनियल टाइम स्टार्ट हुआ, ऑल दीज थिंग्स। तो ड्यू टू ऑल दीज फैक्टर्स द मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी रिच एंड फ्लेक्सीबल। इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन बाई 750 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड, अ ग्रेट डेटा। और ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सम अदर कंट्रीज ऑल्सो। अब देखिए कुछ वर्ड्स हैं, ये लैटिन के वर्ड्स हैं, विन से वाइन बना है, ये चीज़ नोट कर लीजिए। पेपर में एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, किस वर्ड से क्या बना है, ओल्ड नॉर्स, ये कुछ चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी और रियली इंटरेस्टिंग हैं भी। कुछ और डेटा मैं इसके बाद आपके सामने रखूँगा। मिडल इंग्लिश आली आफ्टर विलियम द कंकरर द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी इन्वेडेड एंड कंक्वेस्ट इंग्लैंड इन 1066 विद हिज आर्मीज बिकेम किंग ही ब्रोट हिज नोबल्स हु स्पोक फ्रेंच टू बी द न्यू गवर्नमेंट। जो आपका 1066 का जो इन्वेजन था उसके साथ ही रोमन एम्पायर वहां पर इस्टेब्लिश हो गया था, जैसा कि हम बात कर रहे हैं। जो नॉर्मन्स थे, ओल्ड फ्रेंच, took over as the language of the court, business, administration, culture. Latin was mostly used for written language. हालांकि फ्रेंच के आने के बाद भी जो इलीट ग्रुप था उसका लैंग्वेज लैटिन बहुत दिनों तक रहता है, और उसके बाद धीरे धीरे इंग्लिश वो उभर के सामने आती है एंड established एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन 18th century. Towards the end of Middle Ages, a sudden and distinct change in pronunciation, like great vowel shift, ये important है, GVS, great vowel shift, being pronounced shorter and shorter from 16th century. अब देखिए great vowel shift क्या है, it is a massive sound change affecting the long vowels of English during the 15th, 18th century. Basically the long vowel shifted upward, that is a vowel that used to be pronounced in one place in the mouth would be pronounced in a different place. जो long vowel थे उनकी जगह अब short vowels ने ले ली है। Latin जो Roman Empire था शिवानी, उनकी language थी Latin, जो language, देखिए मैं clear कर देता हूँ, जो Greece है उनकी language Greek है, जो इटली जिसको आज इटली कहते हैं, पहले जो रोमन एम्पायर था इटली के आसपास का सारा इलाका उनका था, उसको हम बनाते हैं उसका लैंग्वेज है लैटिन। और फ्रांस, जो आज का फ्रांस है उसका फ्रेंच है, इंग्लैंड का इंग्लिश है ही। तो ये मोटी जो तीन लैंग्वेजेस बेसिकली हैं, ग्रीक,
देन लैटिन एंड थर्ड वन इज फ्रेंच। और इंग्लिश को यदि स्टडी करोगे तो ज़्यादातर जो इंग्लिश निकल के आई वो इन्हीं तीनों लैंग्वेजेस से आई है, खासकर ग्रीक एंड लैटिन से निकल के आई। मंजूर अहमद, मैं यहाँ नंबर लिखता हूँ, आप उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड देन आई विल ऐड यू इन माई व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। और मैं आपको जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी भेज दूंगा। तो कुछ क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। 55 BC रोमन इन्वेजन बाय जूलियस सीजर। जूलियस सीजर वॉज अ रोमन एम्परर, ही अटैक इंग्लैंड। 43 AD रोमन इन्वेजन फिर से, लेकिन ध्यान रहे जब जूलियस सीजर आए थे तब इन्वेजन हुआ था, वहां पर इस्टेब्लिश नहीं किया था अपना एम्पायर, वो बाद में चल के होता है। बिगिनिंग ऑफ द रोमन रूल ऑफ ब्रिटेन इन 43 AD, करीबन करीबन 100 ईयर्स के बाद वहां पर उनका इस्टेब्लिशमेंट होता है। 436 कंप्लीट विड्रोल ऑफ रोमन्स फ्रॉम ब्रिटेन, यहाँ से अब रोमन चले जाते हैं। एंड दे रूल्ड इंग्लैंड ऑलमोस्ट फॉर 4 सेंचुरीज एंड देन दे हैड टू लीव इंग्लैंड। द रीजन वॉज क्वाइट क्लियर, इन देयर ओन एम्पायर देर वर सम प्रॉब्लम्स, वन थिंग। ऑन द अदर हैंड सम अदर इन्वेडर्स वर अटैकिंग, इंग्लैंड में भी बाकी इन्वेडर्स उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, एंड देन दे हैड टू लीव रोम, सॉरी इंग्लैंड। 499 सेटलमेंट ऑफ ब्रिटेन बाई जर्मेनिक इन्वेडर्स। अब रोमन्स के बाद कौन लोग आ गए हैं? जर्मेनिक आ गए हैं। इसको क्रोनोलॉजी से भी समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये जो पीरियड रहा 450 टू 480, अर्लीस्ट नोन ओल्ड इंग्लिश इंस्क्रिप्शंस, यहाँ से अब इंग्लैंड का अपना कुछ कंट्री के तौर पे वो कंट्री बनना स्टार्ट हुआ है। यदि आप इंडिया का हिस्ट्री देखोगे तो हम कहाँ तक जाते हैं? हम इंडस वैली सिविलाइजेशन तक जाते हैं, यानी कि 5000 ईयर्स बैक। और इंग्लैंड का जो अपना हिस्ट्री है वो करीबन करीबन यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि BC में तो कुछ खास है ही नहीं। विलियम द कंकरर, ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी, इन्वेडेड एंड कंकर्स इंग्लैंड। तो ये लोग अब इंग्लैंड के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। दिस पीरियड इज नोन एज ओल्ड इंग्लिश पीरियड, 450 to 1066। अब जो है 11, इस सी का मतलब होता है सिरका, कि करीबन करीबन यहाँ अराउंड, पर्टिकुलर नहीं होता, फिक्स नहीं होता कि यहाँ जाके कुछ हुआ होगा। सर्वाइविंग मैन्यूस्क्रिप्ट इन मिडल इंग्लिश, पहला जो मैन्यूस्क्रिप्ट मिलता है वो यहाँ आके मिलता है, जिसमें आपका बियोल्फ वगैरह जो पोएम्स हैं वो काफ़ी फेमस हैं। इंग्लिश रिप्लेसिज लैटिन एज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स, 1348। 1362 इंग्लिश रिप्लेसिज फ्रेंच एज द लैंग्वेज ऑफ लॉ, पार्लियामेंट वगैरह में यूज होने लगा। चौसर्स कैंटरबरी टेल्स 1388, ये कोई फिक्स डेट नहीं है, सब सहमत नहीं है इस डेट के ऊपर। और करीबन करीबन 1400 में ग्रेट वोवल शिफ्ट। लाइफ स्पैन ऑफ चौसर इज कंसिडर्ड 1340 to 1400। विलियम कैक्सटन इस्टेब्लिश फर्स्ट इंग्लिश प्रेस 1476। अल्फाबेटिकली इंग्लिश डिक्शनरी इज पब्लिश्ड 1604। और यहाँ से आप देखिए, फर्स्ट डेली इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर अपीयर्ड इन 1702, पहला इंग्लिश अखबार 1702 में इंग्लैंड में आया है, क्वाइट इंटरेस्टिंग इट इज, एंड द पेपर वॉज द डेली करंट। सैमुअल जॉनसन पब्लिशिज हिज इंग्लिश डिक्शनरी 1755, नेट में कई बार पूछा गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड इन 1928, एक बार नेट में क्वेश्चन आया था, ध्यान हो तो किसी को, 1928 फर्स्ट इंग्लिश ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी पब्लिश्ड। तो अब देख लीजिए, जो इंडो यूरोपियन जर्मेनिक और ओल्ड रशियन जो है उसमें कौन लोग आते हैं? सेल्ट्स एंड रोमन्स। ओल्ड इंग्लिश एंग्लिश सैक्सन ज्यूट्स एंड वाइकिंग। नॉर्मन फ्रेंच मिडल इंग्लिश, ग्रेट वोवल शिफ्ट, इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन, टेक्नोलॉजी। तो ये एक ऑर्डर है इंग्लिश का,
इंडो यूरोपियन, जर्मेनिक, ओल्ड फ्रीशियन, उसके बाद ओल्ड इंग्लिश, मिडल, अर्ली मॉडर्न एंड मॉडर्न इंग्लिश, दिस इज द क्रोनोलॉजी। कुशवाहा एग्जाम मुझे नहीं लगता कि जुलाई अगस्त से पहले एग्जाम होगा। मेरा जो आइडिया है, जो मुझे लग रहा है, शायद अगस्त से पहले आपका एग्जाम नहीं होगा। अब कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ इससे रिलेटेड। तो जो रोमन्स थे वो क्रिश्चियनिटी प्लस देयर ओन लैंग्वेज लैटिन, ये चीज लेके आए थे साथ में। आप जो एंग्लो नॉर्मन थे उनके बाद जो आपके इन्वेडर्स हैं वो जर्मेनिक, जर्मेनिक के बाद ट्यूटोनिक, ये हम डिस्कस कर भी चुके हैं ऑलरेडी अच्छे से। अब देखिए क्या था कि एक और क्वेश्चन एक बार नेट में पूछा था, जो सबसे पहले क्रिश्चियनाइजेशन जहाँ पर हुआ था वो था नॉर्थम्ब्रिया, वो द फर्स्ट मोनेस्ट्री दैट वॉज मंजूर अहमद। देखिए वो सिर्फ हमारे जानकारी के लिए थी। जो क्वेश्चन आएगा वो या तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पूछेगा या डॉक्टर जॉनसन का डिक्शनरी पूछेगा। डॉक्टर जॉनसन में जो कंफ्यूजन रहती है वो क्या रहती है, दो उनका इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन आया, फर्स्ट वन इन 1755 इंग्लिश डिक्शनरी पब्लिश्ड, इन 1765 प्रीफेस टू शेक्सपियर पब्लिश्ड। कई बार स्टूडेंट्स इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं और इनको उल्टा पुल्टा कर देते हैं, डिक्शनरी 1765 और प्रीफेस 1755। तो याद रखिए पहले डिक्शनरी आया था, उसके बाद जो है वो आपका प्रीफेस आया था, 1755 एंड 1765, दीज टू डेट्स आर इंपॉर्टेंट। आज से डेली क्लास होगा, 3 बजे होगा, क्रोनिकल ऑर्डर में होगा, और जो पहला जो क्रैश कोर्स हम करेंगे वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का रहेगा। तो डेली क्लासेज होगी और इसी तरीके से क्लासेज होंगी, तो आप प्लीज अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए और क्लास मिस न करें। और देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊं, वो चीजें क्या हैं, आपको एडम बीट का नाम सुना होगा, सिन वुल्फ ग्रुप ऑफ पोइट्स का नाम आपने सुना होगा, बियोल्फ जो पहला इंग्लिश एपिक माना जाता है दैट इज बियोल्फ, और अभी वो कंप्लीट टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है आज के टाइम में, तो उसके 2 पार्ट्स माने जाते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पोएम्स, सर्वाइविंग पोएम्स हैं, दे आर द एलिजीज लाइक पर्ल, पर्ल एक एलिजी है, सी फेरर एक एलिजी है, और एक और एलिजी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, डियोर एक एलिजी है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इन दिस वे, ठीक है ना, जैसे सी फेरर, वॉन्डरर, वॉन्डरर एंड द पर्ल, द पर्ल, सी फेरर एंड वॉन्डरर, दीज आर द वेरी प्रोमिनेंट 3 सर्वाइविंग एलिजीज belong to the you can say old time, ancient time, उस time का 3 एलिजी आज इंग्लिश की यदि बात करें तो अवेलेबल हमारे पास है। कुछ और फैक्ट्स जो मैं आपको बताऊं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पॉइंट से बन सकते हैं, मैं देख रहा हूं साथ में, 1384 में जॉन विक्लिफ का डेथ होता है, ठीक है ना, और जो फैक्ट बनता है 348, ये नेट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको आपको नोट करना चाहिए, 1348 में लिख भी देता हूं, सॉरी, इधर लिख देता हूं, दिख नहीं रहा, 1348 क्या होता है, प्लेग आता है इंग्लैंड में, प्लेग, एंड इट इज नोन एज ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ, ऑलमोस्ट 1/4 पॉपुलेशन ऑफ लंडन वॉज वॉश्ड आउट। और दूसरा ये कौन सा प्लेग था, ब्यूबोनिक, ब्यूबोनिक प्लेग। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है उस टाइम का वो 1381, दिस इंसिडेंट इज नोन एज पीजेंट्स रिवोल्ट। एंड दिस रिवोल्ट वॉज लेड बाय वॉट टाइलर, क्वेश्चन कई बार आया है, वॉट टाइलर। किस चीज के राइटर लिखूं दिव्या,
आपने मेंशन किया कि राइटर के नेम लिखो। यदि आप पर्ल, सी फेरर, वॉन्डरर के राइटर्स की बात कर रहे हैं, पोइट्स की बात कर रहे हैं, तो दीज पोएम्स आर अनोनिमस। हमें नहीं पता है किसने लिखी है, किसी को नहीं पता है। पोएम तो मिली है लेकिन उनके ऊपर कोई मेंशन नहीं है कि किसकी पोएम्स ये हैं। पहले यही होता था कि जो हमारे पास ओल्ड लिटरेचर अवेलेबल है उसमें पोएट या ऑथर क्लियर नहीं है, अनोनिमस राइटिंग्स हैं सारी की सारी, अनोनिमस राइटिंग्स हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी, और आज पहला लेक्चर था, लंबे टाइम के बाद था, करीबन करीबन 1 मंथ बीच में निकल गया होगा, और मेरे कुछ बीच में हेल्थ इश्यूज रहे थे जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था, और कुछ फ्रेंड्स ने उस टाइम पे बीच में व्हाट्सएप के जरिए मेरे से बात की, पूछा हाउ आर यू, एंड दे यू कैन से आवर टेकिंग केयर एंड दे वर कंसिडरिंग मी, एक्नोलेजिंग मी, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। मैसेजेस किए, आप लोग उस टाइम भी सोच रहे थे तो उसके लिए मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि क्लास बीच में मिस हुई तो आप लोगों ने क्लास नहीं मेरे को भी मिस किया, और उसके लिए आई उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हेल्थी होंगे, बचे रहें, थोड़ा सा रखें, क्या बोलते हैं उसको, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कोरोना वो रोना का जो चल रहा है। लेकिन उसमें मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हवा और अफवाहों से, डर से बच के रहें, बीमारी से कहीं ज़्यादा जो खतरनाक है वो खौफ है जो फैला दिया गया है उससे बचें, इतना ज़्यादा वो बाकी चीज़ें इतनी खतरनाक नहीं है जितनी खौफ खतरनाक है, जो भय है, जो डर है, तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो टुमारो वी विल स्टार्ट विद न्यू लेक्चर, और कल हम किसके साथ शुरू करेंगे, तो कल हम मेरे ख्याल से इसके तुरंत बाद यदि कोई इम्पोर्टेंट ऑथर हमारे पास बनता है तो हम बात करेंगे चोसर की, चोसर से पहले विलियम लैंगलैंड, जोन गोवर, इन दो की बात करेंगे, उसके बाद चोसर की बात करेंगे। तो टुमोरोज लेक्चर वुड बी ऑन जोन गोवर, विलियम लैंगलैंड, स्पेशली पियर्स फ्लोमैन की बात करेंगे डिटेल के साथ। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अलॉट, आज काफी दिनों के बाद क्लास थी तो कम लोग आए, कल उम्मीद करूंगा कि आप अपने साथियों को बताएंगे, कुछ नए साथियों को जोड़ेंगे, जो भी कोई नया आया है आज वो सेशन चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। थैंक यू, थैंक्स अलॉट, थैंक यू वेरी मच, और ध्यान रखें अपनी सेहत का, स्वस्थ रहें।